ग्वालियर में हुआ अनोखा विवाह। युवती शिवानी ने की लड्डू गोपाल से शादी। लड्डू गोपाल के साथ वृंदावन से बारात लेकर आए थे कई साधु संत। पूरे विधि विधान से शिवानी ने लिए भगवान श्री कृष्ण के संग फेरे। एक महीने पहले अपनी शादी की घोषणा कर चुकी थी शिवानी। ग्वालियर की रहने वाली शिवानी परिहार ने आखिरकार अपनी पूर्व घोषणा के मुताबिक लड्डू गोपाल यानी भगवान श्री कृष्ण से शादी कर ली है। वृंदावन से कई साधु संत और स्थानीय लोग लड्डू गोपाल की बारात लेकर ग्वालियर आए और पूरे विधि विधान से शादी संपन्न हुई। खास बात ये रही कि शिवानी ने शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन से की ताकि उसकी शादी को मान्यता मिल सके। गौरतलब है कि महीने भर पहले ग्वालियर में न्यू ब्रज बिहार कॉलोनी नई सड़क पर रहने वाली शिवानी परिहार ने लड्डू गोपाल संग अपनी शादी की घोषणा की थी। इसी तारतम्य में 17 अप्रैल यानी बुधवार को हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार शिवानी की शादी संपन्न हुई है। शादी में सभी रस्में हुई, मसलन, मेहंदी, तेल, मंडप, फेरे और विदा आदि। शिवानी का कन्यादान पड़ोस में रहने वाले मुंह बोले भाई भाभी गौरव और दिव्यांशी शर्मा ने किया। शिवानी के कन्यादान को गौरव और दिव्यांशी अपना सौभाग्य मान रहे हैं। शिवानी की शादी को लेकर पूरे मोहल्ले में खुशी का माहौल है। शिवानी के पिता राम प्रताप परिहार पेशे से सिक्योरिटी गार्ड हैं और माँ मीरा प्राइवेट जॉब में है। शिवानी 3 बहनों में दूसरे नंबर की है। शिवानी ग्रेजुएट है और जब से होश संवाला है तभी लड्डू गोपाल के साथ शादी करने के सपने देखती थी। शिवानी का कहना है लड्डू गोपाल से योग्य कोई बर उसके लिए हो ही नहीं सकता। शिवानी का कहना है कि विदा के बाद वह लड्डू गोपाल के साथ वृंदावन जाएगी और वहां धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करेगी। पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद ग्वालियर आकर अपने माता पिता के साथ रहेगी और उनकी सेवा करेगी। शिवानी की शादी को लेकर उनके माता पिता भी खास उत्साहित नजर आ रहे हैं। ख्याल तो सर अभी निल है, कुछ भी नहीं है, बस खुशी बहुत ज़्यादा है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और क्वेश्चन क्या, किसके साथ हो रही है आज आपकी शादी? मैंने कहाँ से बारात आई है आपकी? बारात वृंदावन से आई है। मेरी शादी लड्डू गोपाल जी के साथ हो रही है। जी। कैसे मन में ख्याल आया था कि लड्डू गोपाल ही आपके दूल्हा बने? मन में ख्याल बस ऐसे ही समाज को देख के और उनकी प्रति भाव इतना ज़्यादा था ना कि मैं उनके अलावा किसी और को नहीं देना चाहती थी, अपना कुछ भी, अपना ना समय ना वक्त और सेवा किसी को नहीं देना चाहती, मैं अपनी सारी सेवा उन्हीं को देना चाहती थी। कहाँ से आई है बारात आपकी? वृंदावन से। वृंदावन जी। शादी के बाद विदा कहाँ होके कहाँ जाएगी? वृंदावन ही जाएगी। तो अब ताउम्र वृंदावन ही रहेंगी, कहाँ मुकाम रहेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं वृंदावन सिर्फ अध्ययन के लिए जाऊंगी, बाकी मैं अपने माता पिता के साथ रहूंगी। अच्छा जी। आगे क्या भागवत आचार्य बनेंगी क्या? नहीं अभी तक तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है, मेरा सोचना सिर्फ गोपाल जी से शादी तक का था और मेरा सपना भी यही था। मेरा रियल में मुझे सपने यही आते थे कि मुझे उनसे, मेरी उनसे शादी हो रही है, फेरे हो रहे हैं, विदा हो रही है, मैं उनके साथ घूम रही हूँ, तो वो चीज़ आज सच हो रही है। श्रीधाम वृंदावन से बारात आई है। किसके, कौन है दूल्हा, कौन है इस बारात? हमारे ठाकुर जी, स्वयं भगवान ये रहा कि कुछ समय पहले, महीने दो महीने पहले, पुरानी बात है कि बहन शिवानी जी हमारे आश्रम पर पहुंची। तो इनकी, वैसे तो इन्होंने अपने गुरु जी को सुनाया, जो हमारे गुरु जी हैं महाराज जी से दीक्षित हैं, हमारी गुरु बहन हैं, तो इन्होंने अपना पूरा पुराना भविष्य सुनाया कि हम 7 वर्ष से ठाकुर जी को अपना सब कुछ मान चुके हैं और उन्हीं में हमारी मन है, उन्हीं में हम अपनी पूरा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। तो गुरुजी ने पहले बहुत समझाया कि बेटा जीवन बहुत बड़ा होता है और बिना परिवार के जीवन कैसे चलेगा। बहुत समझाने के बाद लेकिन उनका मन जो अडग है, भगवान के प्रति जो जीवन उन्होंने समर्पित किया उस पर वो अडग है। अभी तक जो भी रस्में हुई, जो जैसे सांसारिक शादी में होती हैं, बड़े ही भाव से ग्वालियर वासियों ने बारात का स्वागत किया, सम्मान किया और आज देखते जा रहे हैं कि पहले भगवान का दरबार पर टीका हुआ। अब जो जैसे सांसारिक शादी होती है उसी प्रकार से बढ़िया भावर भी पड़ेगी, चढ़ाया भी चढ़ेगा और साकुचार भी होंगे, मंत्रों के द्वारा सभी ब्राह्मण मंडली है
जैसे एक शादी होती है उसी प्रकार शादी। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7 स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।